गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर चैनल में आपका स्वागत है उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे अपनी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे होंगे कुछ प्रॉब्लम्स के कारण कुछ दिनों से वीडियो नहीं बन पाए हैं आगे से प्रयास रहेगा कि जो शॉर्ट्स में जो टर्मिनोलॉजी बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है उन सब टॉपिक्स पर उन सब टर्मिनोलॉजी पर हम डिस्कस करेंगे इसी क्रम में आज हम कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो कि ज़रूर आप देखेंगे ये टर्म परीक्षाओं में आते रहते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिल जाएंगे इस पर हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में हम जानेंगे चलिए शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने पहले से पहले आग आपसे आग्रह है यदि आप हमारे दर्शक अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो पहला टॉपिक है पहला जो टर्म है कैपलरी पोटेंशियल कैपलरी पोटेंशियल क्या होता है मीस जिस ऊर्जा से जिस एनर्जी से जो सॉयल होती है बाटर को पकड़े मतलब बाटर को एब्जॉर्ब करके रखती है उस एनर्जी को हम कैपलरी पोटेंशियल बोलते हैं तो दिन एनर्जी विद विच वाटर इज हेल्ड बाई सॉइल इज डिफाइंड इन टर्म ऑफ कैपलरी वाटर उसे हम कैपलरी वाटर कहते हैं मीस द एनर्जी विद विच द वाटर इज हेल्ड बाई द सोयल जिस एनर्जी से सॉयल वाटर को पक होल्ड करके रखती है वाटर को एब्जॉर्ब करके रखती है आ, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं इज हेल्ड बाई द सोयल इज़ डिफाइंड इन टर्म ऑफ कैपलरी वाटर उसे हम कैपलरी वाटर कहते हैं वहीं नेक्स्ट अगर हम बात करें सीपेज सीपेज क्या होता है मीन्स हॉरिजेंटल फ्लो ऑफ वाटर इज कार्ड सीपेज और लॉसिस ऑफ इरीगे लॉसिस ऑफ वाटर इरीगेशन चैनल मीज़ जो फील्ड में हम इरीगेशन सिंचाई देते हैं जो नाली होती है इस नाली से पानी जाता है और पानी जो लीच लीचिंग करके वेस्ट हो जाता है जो लॉस हो जाता है वाटर का बाई द लीच मतलब लॉस हो जाता है नाली से चूंकि ये नाली जो होती है जिससे हम पानी फील्ड के लिए देते हैं वो ऊंची होती है साइड के एरिया थोड़ा नीची होती है डाउन होती है तो ये जो वाटर है वो लॉस होता है इसे हम कहते हैं सीपेज तो द हॉरिजेंटल फ्लो ऑफ वाटर इज कॉल्ड सी पेज और वाटर लॉस फ्रॉम द इरीगेशन चैनल इरीगेशन चैनल से जो वाटर लॉस होता है उसे हम सी पेज कहते हैं वहीं अगर हम बात करें नेक्स्ट टर्म पर्कुलेशन बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है पर्कुलेशन इनफिल्ट्रेशन इन दोनों में से एक ना एक जरूर आपको देखने को मिल जाता है बाक़ी इस पूरे ये जितने भी टर्मिनोलॉजी हैं आज इस पर डिस्कस कर रहे हैं ये सब इम्पोर्टेंट हैं अभी हम बात करें परकुलेशन की डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर सेचूरेटेड और नियरली सैचुरेटेड सॉयल डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर मीन्स वाटर का नीचे जाना सेचूरेटेड और नियरली सैचुरेटेड सॉयल सेचूरेटेड सॉयल क्या होती है मीन्स वो जब जब हम फील्ड में जब हम मृदा में सिंचाई करते हैं उस समय ज़ीरो टेंशन मीस फुल्ली बाटर जो मृदा शॉयल के पोर स्पेस होते हैं वो फुल्ली बाटर से फिल होते हैं उसमें पूर्णतया वाटर भरा हुआ होता है कोई टेंशन नहीं होती है उसमें ज़ीरो टेंशन होती है ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं सेचूरेटेड कंडीशन बोलते हैं सैचूरेटेड कंडीशन में कोई वाटर स्ट्रेस नहीं होता है जीरो स्ट्रेस होता है मीन्स जितने भी पोर स्पेस होते हैं सॉयल के वो फुल होते हैं वाई uh, वाटर तो दैट इज़ दैट सिचुएशन आर कॉल्ड परकुलेशन ऐसी स्थिति को हम परकुलेशन कहते हैं अब हम बात करें भाई इन्फिल्ट्रेशन इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है एंट्री ऑफ वाटर एंट्री ऑफ वाटर फ्रॉम द अपर लेयर मीन्स जो वाटर की एंट्री होती है अपर लेयर से और नीचे लेयर में जाता है तो ये एंट्री ऑफ वाटर फ्रॉम अपर लेयर ऑफ़ सॉयल इज़ कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन और जो इनफिल्ट्रेशन अकर्स ये इन्फिल्ट्रेशन की जो सिचुएशन होती है ये अनसेचुरीटेड सॉयल में होती है मीन्स जो पर्कुलेशन होगा वो सैचूरेटेड कंडीशन में होगा सेचूरेटेड सॉयल में होगा और इन्फिल्ट्रेशन जो होगा अन में होगा वहीं अगर हम बात करें लीचिंग क्या होता है तो लीचिंग में क्या होता है लीचिंग में सीधा इसका मतलब समझें जो पानी होता है पानी के साथ में पोषक तत्व तो जो न्यूट्रेंट हैं वो भी बहकर नीचे जाते हैं ज़मीन में जाते हैं तो उसे हम लीचिंग कहते हैं अगर हम बात करें डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ न्यूट्रेंट एंड साल्ट डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ न्यूट्रेंट एंड साल्ट फ्रॉम द रूट फ्रॉम द रूट जोन विद द वाटर कैपलरी इज़ कॉल्ड लीचिंग मीन्स डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ न्यूट्रेंट न्यूट्रेंट का नीचे जाना एंड साल्ट और साल्ट का फ्रॉम द रूट जोन रूट जोन एरिया से विद द वाटर पानी के साथ में मीन्स जो पोषक तत्व हैं उनका पानी के साथ में साल्ट और पोषक तत्व का पानी के साथ में नीचे जाना उसे हम लीचिंग कहते हैं वहीं ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है फील्ड कैपेसिटी फील्ड कैपेसिटी क्या होती है सिंचाई के दो से तीन दिन के बाद जितना मॉइस्चर सॉयल में होता है उसे हम फील्ड कैपेसिटी कहते हैं इन सरल वे में अगर हम समझें तो सिंचाई के दो से तीन दिन बाद जो मॉइस्चर सॉइल में होता है उस मॉइस्चर को हम फील्ड कैपेसिटी कहते हैं इट कंसीडर्ड एज ए अपर लिमिट ऑफ वाटर अवेलेबल टू प्लांट्स ये अपर लिमिट होती है वाटर की जो प्लांट्स के लिए वाटर अवेलेबल होता है उसकी अपर लिमिट होती है वहीं परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट जो होती है वाटर की लोअर लिमिट होती है हम इसके इससे क्वेश्चन एक और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इस परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट कितने बार पर होता है तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए मीन्स पॉइंट माइनस वन से पॉइंट थ्री थ्री बार और वन बटे थ्री ए टी एम मीन्स वन बटे थ्री ए टी एम या माइनस पॉइंट वन से पॉइंट थ्री थ्री बार ये होता है अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा या आप सोच रहे होंगे बार क्या होता है तो बार के बारे में अगर हम चर्चा करें बार बार मीन्स एक वन थाउजेंड ट्वेंटी थ्री लीटर सेंटीमीटर ऑफ वाटर वन थाउजेंड ट्वेंटी थ्री सेंटीमीटर ऑफ वाटर दैट इज गल्ड बार वहीं अगर हम बात करें एट एटमॉस्फेयर क्या होता है ए लिखा होता है इसका मतलब होता है एटमोसफियर एटमोसफियर क्या होता है वन थाउजेंड थर्टी सिक्स सेंटीमीटर ऑफ वाटर इसे हम कहेंगे एटमोसफियर और बार कहेंगे एक हज़ार तेईस सेंटीमीटर ऑफ वाटर और ए टी एम वन थाउजेंड थर्टी सिक्स सेंटीमीटर ऑफ वाटर तो इसका एक तो ये ध्यान रखना है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट जो सॉरी फील्ड कैपेसिटी होती है फील्ड कैपेसिटी माइनस पॉइंट वन से माइनस थ्री थ्री और वन बटे थ्री ए होती है और इस ये जो एक इसे इस पर अगर पी एफ़ वैल्यू पूछ ले फील्ड कैपेसिटी की पी एफ़ वैल्यू कितनी होती है तो पी एफ वैल्यू की अगर हम बात करें पी एफ़ वैल्यू जो होती है फील्ड कैपेसिटी की वो टू पॉइंट फाइव थ्री पी एफ़ वैल्यू होती है ये भी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है फील्ड कैपेसिटी की पी एफ़ वैल्यू कितनी है तो टू पॉइंट फाइव थ्री पी एफ वैल्यू है और 1 अपाउन थ्री वन बटे थ्री ए टी एम इसका ए टी एम ये जो दोनों टर्म्स हैं बहुत ज़्यादा है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं अब ए टी एम और बाहर ऊपर क्लियर कर दिए हैं ये आपको पता होना चाहिए इसके बाद हम बात करते हैं परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट मीन्स परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट क्या होता है सॉइल में जो प्लांट्स होता है उस स्थिति में पहुंच जाता है कि मॉइस्चर की निम्न जो लोअर लिमिट होती है वो हो जाती है इससे ये ऐसी कंडीशन हो जाती है अगर आप इसके बाद वाटर नहीं देंगे सॉयल में इसके बाद पानी नहीं देंगे तो निश्चित तौर पर प्लांट्स जो होता है वो सूख जाएगा पौधा सूख जाएगा तो ये लोअर लिमिट होती है प्लांट्स की लोअर लिमिट होती है ये प्लांट्स की लोअर लिमिट है मीनस और इसका इंडिकेशन के लिए एक प्लांट्स भी हम देखते हैं तो ये परमानेंट बिल्टी बिल्टिंग प्वाइंट का इंडिकेटर प्लांट सनफ्लावर ये भी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि पी परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट के लिए कौन सी इंडिकेटर इंडिकेशन के लिए कौन सी क्रॉप को यूज़ करते हैं तो ये सनफ्लावर जो प्लांट्स होता है सनफ्लावर प्लांट्स को हम परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट के एज ए इंडिकेटर प्लांट इसे हम यूज़ करते हैं ये अगर हम बात करें परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट्स ब्रिक्स एंड स्नेट्स के द्वारा 1912 में 1912 में ब्रिक्स एंड स्नैट्स के द्वारा ये दिया गया था परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट तो परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट मीनस लोअर लिमिट ऑफ वाटर ऐसी लिमिट मॉइस्चर की सॉइल में जो कि पौधा बिल्कुल सूखने की स्थिति में होता है मीन्स अगर उसे पानी ना दिया जाए तो निश्चित तौर पर वो सूख जाएगा वो ऐसी कंडीशन होती है वो पौधा और ज़्यादा सर्वाइव करने की कंडीशन में नहीं होता है ऐसी स्थिति को हम परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट कहते हैं इट इज़ ए लोअर लिमिट ऑफ वाटर ये वाटर की लोअर लिमिट होती है और इसका पूछ लिया जाता है परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट जो होता है ये फिफ्टीन बार पर होता है फिफ्टीन बार परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट फिफ्टीन बार पर होता है इसकी फ़िफ्टीन बार वैल्यू होती है वहीं अगर हम बात करें ऐसी कंडीशन जो आती है वो 15 बार पर आती है वहीं अगर हम बात करें इसकी पी एफ़ वैल्यू तो परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट की जो पी एफ वैल्यू होती है पी एफ वैल्यू इसकी है 4.18 इसकी फोर पॉइंट वन एफ वन एट ये पी एफ वैल्यू होती है तो ये क्वेश्चन इस तरह से भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है अब प्लांट अवेलेबल वाटर कितने से कितने तक ये तो इन दोनों की जो लिमिट है मीन्स फील्ड कैपेसिटी फील्ड कैपेसिटी टू परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पी तो ये जो फील्ड कैपेसिटी से परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के बीच का जो मॉइस्चर होता है वाटर होता है वो प्लांट्स के लिए अवेलेबल वाटर होता है ये क्वेश्चन भी कई बार परीक्षाओं में आया है पूछा जाता है कि अवेलेबल uh, वाटर किस पॉइंट से किस पॉइंट तक होता है तो अवेलेबल वाटर जो होता है फील्ड कैपेसिटी से परमानेंट विल्टिंग पॉइंट तक होता है वही बात करें और अगर टर्म्स की बात करें जैसे डेल्टा और ड्यूटी ये इसी से संबंधित हैं डेल्टा मीन्स डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट कितने डेप्थ वाटर की रिक्वायरमेंट है कितने डेप्थ डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट कितनी डेप्थ वाटर की रिक्वायरमेंट है उसे हम डेल्टा कहते हैं और ड्यूटी की अगर हम बात करें तो ड्यूटी बराबर वन क्यूसैक डिस्चार्ज से जो इरीगेटेड एरिया है इरीगेटेड एरिया ऑफ वन क्यूसैक डिस्चार्ज उसे हम कहते हैं ड्यूटी तो ड्यूटी और डेल्टा ये टर्म भी बहुत इम्पोर्टेंट है ध्यान रखना है वन क्यूशेक की अगर हम बात करें यहाँ क्यूशैक आया तो वन क्यूशेक इक्वल टू वन क्यूशेक इक्वल टू ट्वेंटी एट पॉइंट थ्री लीटर ट्वेंटी एट पॉइंट थ्री लीटर को वन क्यूशेक कहते हैं ये कुछ जो टर्म्स थे बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं ऐसे टर्म पर ऐसे टॉपिक्स पर ऐसे टर्म्स को हमने डिस्कस किया ये बार बार परीक्षाओं में आए उम्मीद करता हूं निश्चित तौर पर इन ये, ये आज के टॉपिक से आपको एक नए क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा इसी तरह की और भी वीडियो परीक्षा तक आपको मिलती रहेगी आपसे आग्रह है चैनल को सपोर्ट करें सब्सक्राइब करें थैंक यू